हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही कॉमन डिजीज के बारे में डील करेंगे जिसका नाम है हेमोप्टिसिस। हेम मतलब ब्लड, एंटिसिस मतलब उसका स्पिटिंग आउट। सिंपल फॉर्म में अगर हम बोलें तो स्पिटिंग आउट ऑफ ब्लड थ्रू माउथ इज कॉल्ड एज हेमोप्टिसिस। अगर हम इसी की एक मेडिकल डेफिनेशन बोलें तो वो हो जाएगी एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड इन स्मॉल अमाउंट मिक्सड विद स्पुटम थ्रू फोर्सफुल कफिंग इज कॉल्ड एज हेमोप्टेसिस। मेजरली द हेमोप्टेसिस इज एसोसिएटेड विद सम पल्मोनरी डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज या फिर ऑटोइम्यून डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे लंग्स में कोई समस्या है, तो हमें खून की कफिंग आ सकती है। अगर यहीं पर प्रेजेंट हार्ट है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कोई है, तो उससे एसोसिएटेड भी हेमोप्टेसिस हो सकता है। या फिर बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चल रहा है तो उसके थ्रू भी हेमोप्टिसिस हो सकता है। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पल्मोनरी डिजीज है, जैसे लाइक लंग एब्सेस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, अगर लंग्स में टीबी हो रखा है या फिर किसी भी प्रकार का लंग्स का नियोप्लाज्म हो रखा है, तो इन सब कंडीशंस में हेमोप्टिसिस हो जाता है। अगर हम इसी तरह कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के बारे में बात करें तो अगर किसी को भी मिट्रल वॉल स्टेनोसिस है या फिर कोई पल्मोनरी इम्बोसिस इम्बोलस है, तो इन सब कंडीशंस में कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की वजह से हेमोप्टिसिस होता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है तो अपनी SLE यानी सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस डिजीज। इसके अलावा अगर किसी को विगनर्स सिंड्रोम है तो उसमें भी हेमोप्टिसिस दिखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके डायग्नोसिस में आता है वो हमें जानना है कि आखिर ये डिजीज जिस भी पर्सन को हुई है वो किस वजह से हुई है, यानी कि उसका कोई कॉज पल्मोनरी है या फिर उसका कार्डियोवेस्कुलर कॉज है या फिर वो कोई ऑटोइम्यून है। इसको जानने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हिस्ट्री लेंगे तो उससे हमें उस पर्टिकुलर हेमोप्टेसिस की ब्लड की लोकेशन मालूम चलेगी। लाइक अगर वो कह रहा है कि खांसी करने पर ब्लड आ रहा है, दैट मीन्स कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके नेजोफेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है। अगर वो कह रहा है कि वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आ रहा है माउथ से, देन उसकी GIT ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेमोप्टिसिस के मैनर में। इसके बाद हम उसका कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करवाएंगे, लाइक PTT टेस्ट। PTT टेस्ट में हो जाएगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम रेज्ड है या मतलब कि डिक्रीज है या रेज्ड है, ये देखना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम उसका CBC करवाएंगे। CBC में बेसिकली हमें डायग्नोज करना है कि पेशेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से एनीमिक तो नहीं हो गया है, या फिर उसके ब्लड लॉस में साथ साथ उसके कहीं प्लेटलेट्स तो ज़्यादा नहीं डिक्रीज हो रहे हैं कि वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में चला गया है। देन इसके बाद अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, देन उसको LFT रिलेटेड संबंध मीन्स कि लीवर फंक्शन टेस्ट में एलिवेशन या डिप्रेशन दिखने बहुत ही कॉमन है, तो उसके LFT भी बिगड़ा हुआ आएगा अगर उसके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लाइक कोई तकलीफ है तो। अगर लेबोरेटरी टेस्ट से हम कंफर्म डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं या उसका लोकेशन या कोई भी चीज़ हमें डाउटफुल लग रही है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट उसका चेस्ट का CT स्कैन करवाएंगे। चेस्ट के CT स्कैन में काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम इसमें ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, और अगर वो स्पुटम के साथ में जो ब्लड आ रहा है उसको हम कल्चर करवा सकते हैं। उस कल्चर को BAL कल्चर बोलेंगे। BAL मतलब हुआ अपना ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज, ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज। इसका हम कल्चर करवाएंगे और इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कहीं पेशेंट को एल्वियोलर हेमरेज तो नहीं है जिस वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। डायग्नोसिस तो हो गई। अब इसके बाद सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस डिजीज से रिलेटेड वो हमें याद रखना है कि अवॉइड चेस्ट परकशन एंड स्पायरोमेट्री। किसी भी कीमत पर हमें पेशेंट का चेस्ट परकशन या स्पायरोमेट्री नहीं करवानी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपना मैसिव हेमोप्टिसिस का। मैसिव हेमोप्टिसिस मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड थ्रू माउथ। अगर वो ब्लड लॉस 600 ml पर 48 आवर्स है, देन दिस इज कॉल्ड एज मैसिव हेमोप्टिसिस। इसके बाद हम आते हैं इसी के हेमोप्टिसिस के ट्रीटमेंट पर। तो अगर अपना प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है तो हमें उसे प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी, प्लाज्मा चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जा रहा है
देन उसे हमें प्लेटलेट्स देने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूँ, मीन्स कि यहाँ पर मैं ड्रग्स के पर्टिकुलर जो भी नाम बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है कि उन ड्रग्स को, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको हेमोफेसिस का पूरा ट्रीटमेंट बता दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट मेड डिफर्स। तो यहाँ पर मैं जो भी ट्रीटमेंट बताऊँ, प्लीज उसको जनरल प्रैक्टिस में ऐसे का ऐसे फॉलो करने की कोशिश ना करें। आप पेशेंट की कंडीशन देखें, उसको किस प्रकार का ब्लड लॉस हो रहा है, आप अपने डायग्नोसिस के हिसाब से उसको ट्रीट करें। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आप हेमोप्टिसिस में ये ड्रग्स दें। सबसे पहले हेमोप्टिसिस में ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमें उस ब्लड लॉस को रोकना है। उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए हम कुछ हेमोस्टेटिक एजेंट्स दे देंगे उसको। हेमोस्टेटिक एजेंट्स में हम उसको ट्रेनेक्सामिक एसिड दे सकते हैं, या फिर इथेमसिलेट दे सकते हैं, या फिर और कोई भी हेमोस्टेटिक एजेंट्स हो वो आप प्रेफर कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट्स। इसके बाद हम उसमें कुछ हायर एंटीबायोटिक्स देंगे। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हायर एंटीबायोटिक्स ही क्यों देंगे हम पेशेंट को? क्योंकि हेमोप्टिसिस इज अ डिजीज विच इज बेसिकली अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, मीन्स कि प्राइमरी एक इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में, उसकी वजह से हेमोप्टिसिस क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम हायर एंटीबायोटिक्स पर जाएंगे, बिकॉज इट इज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद प्राइमरी डिजीज। तो अब सेकेंडरी इन्फेक्शन है और हायर एंटीबायोटिक्स देनी है, तो हम इसमें कोई भी सेफोटेक्सिम, सेफलेक्सिम, लिवोफ्लॉक्सेसिन, इन सबको प्रिफर कर सकते हैं। देन इसके बाद म्यूकोलिटिक एजेंट्स देंगे हम। म्यूकोलिटिक एजेंट्स का क्या रोल रहेगा? क्योंकि विद द थिकनेस ऑफ स्पुटम एंड ब्लड, इट मेक्स अ वेरी थिक कल्चर, ये बहुत ही थिक हो जाएगा, तो उसको जितना हम निकालने की कोशिश करेंगे कफ के थ्रू, उतना और ज्यादा डैमेज करेगा ये हमारे पाथवे को। तो उस पाथवे को इजी बनाने के लिए हम म्यूकोलिटिक एजेंट्स का यूज करेंगे, जो उस कफ को थोड़ा सा पिघला देंगे और हमारा जो स्पुटम है वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें कुछ विटामिन सी डेरिवेटिव्स और कैल्शियम डेरिवेटिव्स दे देंगे, जो ब्लड लॉस की वजह से रिकवरी करते हैं उस पॉइंट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम। अगर लॉन्ग टाइम से ब्लीडिंग चल रही है, तो उसमें हम पेशेंट को डेफिनेटिव थेरेपी देंगे। इस डेफिनेटिव थेरेपी में सबसे पहले हम फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं। फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी का रोल ये होता है कि ये हमें कंफर्म बताता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्लीडिंग, आखिर कहाँ से पूरे पाथवे में ब्लीडिंग हो रही है। अगर ये हमें बता दिया कि इस जगह से पर्टिकुलर ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स कि फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी अगर पॉजिटिव आ गई, तो हम उस पेशेंट का इम्बोलाइजेशन कर देते हैं। अगर वो निगेटिव आया, तो वहां पर उस कंडीशन में हम पेशेंट के डबल ल्यूमेन ट्यूब का यूज करके वहां की ब्लीडिंग को रोक देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट अ डिजीज ऑफ हेमोप्टेसिस और ये उसका ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।